IGFC मेजर जनरल हारून हमीद चौधरी ने डी ए खान में मुख्तलिफ मसालिक के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल जिरगे में मुहर्रमुल हराम में बाहमी मांगी के फरोग इलाके में अम बरकरार रखने के लिए ऑपरेशन अजम इस्तेहकाम की अहमियत पर बातचीत की। बाद अज़ां उन्होंने हाल ही में कायम करदा पुलिस कंट्रोल सेंटर डी ए खान का दौरा किया और पुलिस फोर्स के अजम को सराहा। GOC 9 डिवीजन मेजर जनरल जुल्फिकार अली भट्टी की ज़ेर सदारत हंगू में मुनक़िदा यूथ कन्वेंशन में तरक्की पसंद माशरे में नौजवानों के किरदार पर रोशनी डाली गई। मुख्तलिफ तवज्जो तलब मामलात पर बातचीत की गई। तहसील मिरली में सिक्योरिटी फोर्सेज हुकाम व मुसक़ई गाँव के मलिक उमशान के मबैन जिरगे में इलाके में अमान कायम करने के लिए भामी ताउन के फरोग पर मशावरत की गई। मोहम्मद किला के दरों में मकामी अस्करी हुकाम ने दारुल उलूम इस्लामिया के तलबा को तालीम हासिल करने की तरगीब और स्टेशनरी बैग्स और तहाइफ तकसीम किए। झंडोला में मकामी विंग कमांडर ने इलाके में सियाहत और माशी सरगर्मियों के फरोग के लिए पिकनिक पॉइंट का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में मकामी मलिक उमशान ने खसूसी शिरकत की। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ रागिब करने के लिए दीर के इलाके लाल मैदान में फुटबॉल और मोहम्मद के इलाके समगाही में वॉलीबॉल के दोस्ताना मैचेस का इनेकाद किया गया। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वचाखावरा में मकामी यूनिट कमांडर रमायदी ने इलाके में जिरगे में इलाके में अमन अमान की अहमियत के बारे में बातचीत हुई। तहसील मीरान शाह के इलाके टल में अस्करी हुकाम और मकामी मलिक उमशान के मबैन जिरगे में इलाके में कयाम अमन को यकीनी बनाने और मकामी लोगों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के हल पर तबादला ख्याल किया गया।